हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जब भी हम वर्ड ग्लोबलाइजेशन सुनते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का जो एक पॉजिटिव चेहरा है, यानी कि अनेक देशों के बीच में व्यापार हो रहा, लोग घूमने के लिए आ रहे जा रहे हैं, सिर्फ हम इन्हीं सब बातों को सुनते हैं और सोचते हैं। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन का दूसरा एक चेहरा है वो ये है कि अगर दुनिया के किसी भी अलग हिस्से में वॉर हो रहा तो उसकी जो आंच है, उसका जो असर है, वो आपके देश में पहुंचेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया और यूक्रेन 2022 के फरवरी के महीने से वॉर में है, जहां पे भारत का कोई मतलब नहीं है, फिर भी भारतीय लोगों को बेवकूफ बना के रशिया यूक्रेन वॉर में ढकेल दिया गया है और एज पर रिपोर्ट कुछ भारतीय भी इसमें मारे गए हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये द इंडियन एक्सप्रेस का आज का ही आर्टिकल है और ये आप फोटो देख सकते हैं, जहां पे ये बताया जा रहा है कि इस फोटो में जितने लोग भी हैं ये हमारे पंजाब स्टेट के हैं और ये रशिया घूमने के लिए गए थे, और इनके हिसाब से उनको रशिया में अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद इनको जबरदस्ती का रशियन आर्मी का हिस्सा बना दिया जाता है। क्योंकि इसके बारे में अब तक बहुत ज़्यादा खुल के रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए एकदम से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि भारतीय लोगों का इस्तेमाल रशिया कर रहा है एज एन आर्मी के तौर पे। वैसे तो कोई भी देश अपने देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को आना परमिट नहीं करता है। उससे क्या होता है कि जब आपके देश में कोई भी इलीगल तरीके से घुसता है तो उसके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। जब उसके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो वो एक सही तरीके का जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उसे सर्वाइव करने के लिए क्राइम का रास्ता चुनना पड़ता है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर में है तो इसलिए रशिया और यूक्रेन दोनों को बढ़ चढ़ के फोर्सेस का जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन को बहुत हद तक यूएस, यूके, कैनेडा, जर्मनी, ये सब कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं खुले तौर पे। लेकिन वही रशिया को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम ही देश आ रहा है, और जो सपोर्ट भी कर रहा है वो बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए रशिया को कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स चाहिए थे जो रशिया में घुसे, रशिया उसके बाद उनके ऊपर अपना फंदा को जकड़े और उसके बाद उनको कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स देने के बाद उनको रशियन आर्मी का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि वो लोग जाके यूक्रेन के खिलाफ लड़ें। क्योंकि हमारा पंजाब स्टेट से या बहुत हद तक जो हमारा सदर्न इंडिया का स्टेट है, केरला या तमिलनाडु, यहां से बाहर जाके रोजगार करने का जो चलन है वो बहुत पहले से है। तो इसी में क्या है कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग देशों में रहते हैं। जैसे कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के सामने पहुंचाने के लिए मैं यूट्यूब का सहारा ले रहा हूं, वैसे बहुत लोग व्लॉगिंग्स वगैरह करते हैं। और किस तरीके से आप सपोज दैट अगर आप कनाडा जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से कनाडा जाया जा सकता है, किस तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। अगर मैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करूं तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं जहां पे ये सख्त हिदायत दिया जा रहा है भारतीय लोगों को, पाकिस्तानीज को और बांग्लादेशी को, कि आप बेलारूस का रास्ता इस्तेमाल करके रशिया ना जाएं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो ये है बेलारूस और ये है रशिया। तो रशिया और बेलारूस एक फ्रेंडली देश है, तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जब किसी के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उनको इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग करवाते हैं। तो कुछ फिनोमिना ऐसा देखा गया है कि बेलारूस का सहायता लेके रशिया हो गया या अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें लोगों को भेजा जाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जितने भी जो एजेंट्स थे जो लोगों को इलीगल तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज भेज रहे थे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि बेलारूस में लोगों को ले जा रहे हैं, उसके बाद उनको फिर जबरदस्ती का रशिया भेज देते हैं और वहां पे कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स के बाद उनको रशियन आर्मी का हिस्सा बना लिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी देश कभी भी अपने देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं अलाउ करता है, रशिया भी कुछ ऐसा ही करता था। क्योंकि अभी रशिया को आर्मी चाहिए, फौज चाहिए या आर्मी को हेल्प करने का लोगों की मदद चाहिए, तो अब रशिया क्या कर रहा है कि जबरदस्ती के लोगों को रशिया के अंदर वो ला रहा है। और जब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर फिलहाल आप किसी दूसरे देश में हैं और कोई आपको वहां पे पकड़ ले, अरेस्ट कर ले, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रह नहीं जाते हैं सिवाय कि जो सामने वाला आपको कह रहा है करने के लिए। द इंडियन एक्सप्रेस का टीम ने गुरदासपुर में एक एजेंट से बात किया और ये पता करने का कोशिश किया कि एग्जैक्टली जो भारतीय लोग होते हैं खास करके पंजाब में, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं यूएस जाने के लिए तो वो
किस रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एजेंट ये बताता है कि क्योंकि यूएस जाने के लिए जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि बेलारूस से फिर रशिया या ऐसे ही कुछ इलीगल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को उसके लोकेशन में पहुंचाने के लिए। यहाँ पे यूएस की बात की जा रही है। अब वैसे ही सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे एक वीडियो पोस्ट की जाती है गगनदीप सिंह के द्वारा, जो कि पंजाब के होशियारपुर से हैं। वो ये कहते हैं कि वो लोग पिछले साल दिसंबर 27 को रशिया जाते हैं 90 दिन का वीजा लेके, और गगनदीप का ये कहना है कि वहां पे वो किसी एजेंट से मिलते हैं जो कि उनको जो उनको बेलारूस ले जाता है। कहीं ना कहीं ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। कहने का मतलब है कि जो एजेंट्स हैं भारत में भी और बहुत हद तक रशिया में, या बहुत सारे ऐसे लोगों को रिक्रूट किया गया है जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस टाइप के लोगों को जो रोजगार करना चाहते हैं अब्रॉड जाके और अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली बहुत कुछ बोले नहीं है। तो जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है कि किस किस तरीके से, या वैसे लोग जब भारत आएंगे तो जब तक हमारे इंडियन मीडिया उनके साथ बैठ के बात नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से उनको धोखा दे के रशिया ले जाया गया था, तब तक हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस मामले में आ नहीं पाएंगे। इस पूरे अगर आप आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको मल्टीपल टाइम बेलारूस का नाम मालूम पड़ेगा। कहीं ना कहीं बेलारूस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है जब भी किसी आदमी के पास या किसी भी लोगों के पास जब कोई प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट ना हो और वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं यूरोप का हिस्सा बनने के लिए और कमाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो इलीगल तरीके से लोग जाते हैं दूसरे देश में काम करने के लिए उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता, इस बारे में तकरीबन सभी को पता है, लेकिन फिर भी कितनी बार क्या होता है कि आपके घर का जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आप कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो इलीगल रास्ते के इस्तेमाल करते हैं, और यहीं पे जो एजेंट्स होते हैं वो उनका इमोशन का और उनके सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काम करते हैं, पाकिस्तान के भी काफी सारे लोग जाते हैं, बांग्लादेश के भी काफी सारे लोग जाते हैं, तो इन सब लोगों को जो एजेंट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उनको काफी हाई सैलरी का जो लालच है वो दिया जाता है, और क्योंकि सामने वाला मजबूर होता है अपनी सिचुएशन से इसलिए वो कहीं ना कहीं इमोशनली इनकी बातों में वो आ जाता है, और जो एजेंट्स होते हैं उनका काम पूरा हो जाता है, उनका जो कमीशन है वो पूरा हो जाता है, वो उनको मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनको इनिशियली ये बताया गया था कि वो रशिया तो जा रहे हैं लेकिन रशियन आर्मी को वो हेल्प करेंगे, एज इन उनके लिए खाना बनाएंगे या उनके लिए और भी जो चीजें होती हैं या रिक्वायरमेंट्स होता है उनको वो फुलफिल करेंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम था कि वो जब रशिया पहुंचेंगे तो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट भी रशियन लैंग्वेज में रहेगा और उनको एक मेन आर्मी का हिस्सा बना दिया जाएगा। और बीते कुछ दिनों में ये न्यूज काफी ज्यादा पब्लिक डोमेन में आ गया है। अभी आप thendtv.com को आप देख रहे हैं जहां पे आपको मल्टीपल ऐसे आर्टिकल्स वगैरह मिलेंगे जो एग्जैक्टली इसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। अगर आप इन सब आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि तकरीबन भारत के सभी स्टेट से लोग जो बाहर में काम करते थे वो कहीं ना कहीं इन जो फेक एजेंट्स हैं उनके वो लालच में आ गए हैं, और एग्जैक्ट कितने भारतीय फंसे हुए हैं इसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली अपने प्रेस नोट में ना कहे। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो भारत की जो एम्बेसी है उन्होंने कहा कि वो रशियन एम्बेसी या उनके अथॉरिटीज से वो कनेक्टेड हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीका हो उनको उस वॉर जोन से निकालने का वो प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर में अगर आप इन सब आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज तो बहुत ही साफ समझ में आ जाएगा कि जब सामने वाला बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर दे तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकता है। इसके बारे में हम संदेह या इसके बारे में हम और भी लोगों से बात करके उस चीज को हम वेरीफाई कर सकें या करने को सोचें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।